नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर शहर के मुगल गार्डन में मजलिसे उलमा वो खुफास की ओर सम्मान कार्यक्रम किया गया आयोजित। बीदर शहर के प्रसिद्ध व्यक्तियों के अलग अलग विभाग में कामयाबी हासिल करने पर उन्हें किया गया सम्मानित। 1 अरब का आंकड़ा पार करने के बाद भी कोरोना टीकाकरण में ढील नहीं पड़ना चाहिए, समीक्षा बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कैप्टन दगा हुआ कारतूस है, फ्रॉड है, सोनिया गांधी को लिखे अमरिंदर सिंह के खत पर बोले नवजोत सिंह सिद्धू। देश के नव राज्यों में बढ़ा डेंगू का प्रकोप, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भेजी खास टीमें। अमेरिका में अब 12 साल से छोटे बच्चों को भी लगेगी कोरोना की वैक्सीन, फाइजर के टीके को मिली मंजूरी। अब समाचार विस्तार से, देखते हैं राज्य के समाचार। बीदर शहर के मुगल गार्डन में मजलिसे उलमा वो खुफास की ओर से सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीदर शहर के प्रसिद्ध व्यक्तियों के अलग अलग विभाग में कामयाबी हासिल करने पर उन्हें सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बीदर शहर से पहली बार केंद्रीय मंत्रालय में जगह पाने पर केंद्रीय मंत्री भगवंत खूबा, कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन बनने पर रौफुद्दीन कचेरी वाला, अखिल भारतीय जमीतुल कुरैश एक्शन कमेटी शाखा कर्नाटका के अध्यक्ष बनने पर नबी कुरैशी और बीदर के वार्ड नंबर 32 के पार्षद चुने जाने पर युवा नेता मोहम्मद नवाज खान के अलावा दीगर डॉक्टर्स और उलमा की प्रशंसा की गई और उनकी गुलपोशी और शालापोशी करके सम्मानित किया गया। आईएएस में कामयाबी हासिल करते हुए बीदर का नाम रोशन करने वाले हारिस सुमेर इस कार्यक्रम में न आने पर उनके पिता की गुलपोशी व शालापोशी करके सम्मानित किया गया। बीदर के विधायक रहीम खान भी उपस्थित थे। केपी न्यूज के संवाददाता अमजद पाशा, मोहम्मद यासीन अहमद और कैमरामैन साबिर खान के अनुसार इस अवसर पर भगवंत खूबा, बीदर के विधायक रहीम खान, बंडप्पा खाशमपुर, रौफुद्दीन कचेरी वाला, मौलाना अफसर अली नदवी ने संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्र मंत्री भगवंत खूबा ने संबोधित करते हुए कहा कि वो हमेशा बीदर की जनता के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत खिरत कला में पाक से हुई। सम्मान कार्यक्रम से पहले शाहगंज कमान से मुगल गार्डन तक भव्य रैली निकाली गई। भगवंत खूबा, बंडप्पा खाशमपुर, रफुद्दीन कचेरी वाला, नबी कुरैशी, मोहम्मद नवाज खान वो दीगर उपस्थित थे। इस रैली में शहर के कई लोग शामिल रहे और उन्होंने इन सभी का भव्य स्वागत किया। अल्लाह तबारक व तआला उनसे काम लेता है, उनको ओहदे अता फरमाते हैं। हां, ये अलग बात है कि ओहदों का सही इस्तेमाल अगर ना करें तो पब्लिक उनको खुद समझा देती है कि तुम क्या हो। आज सबसे बड़ी ताकत पब्लिक की है और आज दो गलतियां मुझे यह महसूस हुई है। एक गलती यह है कि हमने शायद इसका प्रोग्राम किया है लेकिन सही इसका एडवर्टाइज नहीं किया है, और दूसरी बात मुझे ये समझ में आई, एडवर्टाइज सही हुआ है लेकिन आपसी इख्तलाफ दिलों में बाकी है। वो फला मिनिस्टर फला पार्टी का है, वो फला आदमी फला पार्टी का है, ये समझकर हम एक दूसरे के ये जलसों में और एक दूसरे के फंक्शन में नहीं आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये सोच बिल्कुल गलत है। ईमान वाले की भी सोच गलत है और जो प्रार्थना वतन है ये सोच गलत है। मुल्क का जो आदमी चुनिंदा होता है वो कायद होता है, अगर वो काबिल एहतराम है और काम करने के लायक है तो उसको उठाया जाए। जितने भाई मुस्लिम है इनकी आप और के जरिए से दुआओं के जरिए से खिदमत कीजिए। इनसे दरखास्त है पब्लिक सेवा रात दिन हर तनाई में और इज्तिमाईयत में बीमारी के मौके पर इनका साथ दीजिए। अल्लाह इन सबको अपने जजीर अता फरमाए। वाखिर दुआ अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शहबानी दीजिए सभी लोगों को मैं इस्तकबाल करता हूँ। आज दीदर के अंदर मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, जहाँ मैं घर के इस मंच पे बात कर रहा हूँ, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है क्योंकि देश के भारत देश हिंदुस्तान में पहली बार आज़ाद होने के बाद अगर किसी को केंद्र में मंत्रिमंडल में लिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो वो जरा भगवंत बाबा साहब से लिया गया है। मैं भगवंत बाबा साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने केंद्र में 2 बार एमपी बनने के बाद उनको मिनिस्टर का अवार्ड दिया गया है। बड़े कुछ मजाक है, कम बोलते हैं ज़्यादा करते हैं,
वो क्योंकि पिछले दो टाइम में उन्होंने एमपी जब 7 साल में बीदर के अंदर ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं तो आप लोग भी जानते हैं। यहाँ पे 108 उम्र से बुजुर्ग से लेके पूरे मस्जिद के मौलाना और सज्जन लोग पूरे बीदर और हैदराबाद और बेंगलुरु इतने लोगों का दर्शन लेके इनके साथ हम बैठे थे तो बड़ा किस्मत वाले हैं। तो और जैसे कि हमारे बीदर के हिस्ट्री में 75 साल का आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार जो सेंट्रल मिनिस्ट्री हमारे जिले को हमारे एमपी को मिले हमारे गोवा साहब भगत राव गोवा साहब को वो भी हमारे लिए खुशी की बात। और हमारे एमएलए साहब को चाहिए क्या है चाहे उन्होंने है और हमारे रऊफ कचहरी वाले उनका साइज छोटा रहे तो उनके कामयाबी बहुत बड़ा। ऐसा आदमी को हमारे हमारा पार्टी क्या चलती है और खूब पैसे बड़े उनको हरा के चेयरमैन जो बनाया वो भी मामूली में वो भी हमारे दीवार को मिला वो भी कुछ पैसे का और हमारे और बिल्कुल बड़ी सेवल है नबी कुरैशी उन्होंने क्या कम कारनामा नहीं करे पूरा जमतुल कुरैशी बिरादर के स्टेट चेयरमैन बन गए हुए ऐसा और हमारे पूरे काउंसलर है और यहाँ पे सभी हमारे भाइयों और मीडिया पर्सन आज जो और कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी से जो फेलिसिटेशन कार्यक्रम योजना करे मैं सबसे पहले हमारे पूरे मौलाना और जो भी इस फंक्शन को करे वो पूरे लोगों को मैं अपने तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज का जो इस प्रोग्राम में मंच पर उपस्थित माजी मंत्री और आप सबके दिल के चाहते बंदे प्रकाशनपुर जी और एक माजी मंत्री बीदर के विधायक सबको लेके जाने वाले प्रवीण खान साहब आज जो इस कार्यक्रम जिसके कारण होने जा रहा है बंडेपा साहब बोले जितने में बहुत छोटे लेकिन कारनामे बहुत बड़े बड़े है हज कमेटी के चेयरमैन रोफुद्दीन कचहरीवाले साहब नबी कुरैशी जी नवाज भाई और सबसे मंच के ऊपर जो बैठे हुए मौलवी साहब हाजी साहब और मंच के सामने इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे भाई और पत्रकर्ता मित्रों अमीर बन सकती है बड़ा बन सकती है। 2014 से पहला जो भजपुर जाने वाला अंदर जो कोटा था भारत के अंदर मैं समझता हूँ 70-75 हजार लोग सालाना था। नरेंद्र भाई मोदी जी गल के सैक लोगों से मिलके हर साल बढ़ाते बढ़ाते पिछले साल मन से समझता है जाकर मेरे को याद है 1,60,000-1,80,000 हज जाने को भारत से कोटा बढ़ा दिया। उसके कारण भारत के जितने भी मुसलमान जाना चाहते हैं उसके कोटा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हज को जाने का सहूलत दी है हमारे सरकार ने दी है और उसके साथ साथ ये सहूलतें आप लेने के लिए भी मैं गुजारिश करता हूं
ऐसे बहुत चीजें हैं, बस आज जो हमने देखने को मिला, मेरा दिल इतना खुश हुआ कि मंच पर बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, जेडीएस वाले जो तीन संगम है, यही लोगों को आप दुआ करते रहे और उनसे काम लेते रहिए। सबके साथ काम लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम सरकार में रहने वाले लोग हैं, सरकार सभी को बराबर देखने के लिए मजबूर कर देगा। इसके साथ में आज हमारा जो रफर साहब को बहुत बड़ा इंसान बना दिया आप लोगों ने, वो आज सारे से फीट वाले नहीं है, सारे से फीट वाले बन गया है। मैं खासकर हमारे सभी मौलवी भाइयों को हेलो बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। थोड़ा आगे बंडप्पा साहब तो बहुत ही चाहने वाले, आप लोग अच्छे बुरे में साथ देने वाले, वो भी हमारे साथ है। और लव भाई, मैं समझता हूँ बीदर के मट्टी में पानी में वो ताकत है जो स्टेट की हज कमेटी की चेयरमैनशिप यहाँ पे आना हम लोग को बहुत ही मुश्किल का काम था, क्योंकि एक से दिग्गज लोग बेंगलुरु में बैठे थे, एक से एक लोग कॉम्पिटिशन में थे। वो बीदर के बारे में कभी बात करता था हमारे लोग भाई, अरे वो क्या, वो हो ही नहीं सकता बोलते, लेकिन लोग भाई ने सभी लोगों की दुआएं और खासकर इनके साथ के बहुत ही चाहने वाले हैं। 66वीं कर्नाटक राज्योत्सव के अवसर पर मंगलवार को बीदर के गुम्पा प्राइड में एकता फाउंडेशन की ओर से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गीत संगीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर लोग गीत संगीत पर झूमकर नृत्य करते दिखे। एकता फाउंडेशन के रवि स्वामी ने केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा से बात करते हुए इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के संबंध में बताया। ಇಡೀ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ 66ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತೇ ಏಕತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ನಿಟ್ಟಿನ ಸಂಭ್ರಮಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಭ್ರಮಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏಕತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಅಥವಾ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಯಶಸ್ವಿ ಗ್ರೂಪು, ಲಕ್ಕಿ ಡಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪು, ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಸಿಂಗರು, ವಿಜಯಂ ಸಿಂಗರ್ ಅವರು, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಏಕತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. बीदर के विधायक रहीम खान ने बुधवार को दीपावली त्योहार के अवसर पर मीडिया से बात करते हुए बीदर की जनता को दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने सभी से कोरोना नियमों का पालन करते हुए दीपावली त्योहार मनाने की अपील की है। मैं बीदर की जनता से पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। आदाब, नमस्कार, सलाम, एडवांस में दीपावली के शुभकामनाएं, हैप्पी दीपावली और सेफ्टी दीपावली, क्योंकि 2 साल से कोविड की वजह से दीपावली बहुत कम मनाए लोग, और इस बार जब खुशी से मनाने जा रहे हैं तो पहले सेफ्टी फर्स्ट स्टेप है। अभी भी कोविड का बहुत ही केयर लेके आप आगे बढ़िए, बच्चों को इससे सेफ्टी में रखिए, क्योंकि हर बार दीपावली में कुछ छोटे बच्चों को इसका इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए मैं सभी बीदर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, हैप्पी दिवाली बोलता हूँ। कन्नड़ फिल्म के बड़े एक्टर पुनीत राजकुमार का शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से बेंगलुरु के एक अस्पताल में निधन हो गया था। वह 46 साल के थे। उनकी मौत के बाद बेंगलुरु के अस्पतालों में लोगों की अधिक भीड़ देखने को मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार श्री जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च के ओपीडी विभाग में ऐसे मरीजों की भीड़ पहुंच रही है जो अपने कार्डियोवेस्कुलर स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हसन जिले से 46 साल के नारायण अपने रिश्तेदार के साथ अस्पताल आए थे। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत थी। उनको शक है कि उनके हृदय में कुछ गड़बड़ है। उनका कहना है कि एक्टर पुनीत राजकुमार की मौत के बाद मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहता,
इसलिए मैं तुरंत 180 किलोमीटर का सफर करके अस्पताल आ गया। वही डॉक्टरों का भी कहना है कि उन्होंने एक्टर पुनीत की मौत के बाद अस्पतालों में मरीजों की बड़ी संख्या देखी है। ये मरीज यहाँ हार्ट चेकअप के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कम कोविड 19 टीकाकरण वाले जिलों के अधिकारियों के एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में वे जिले शामिल हुए जहां कोरोना टीके के पहले डोज का कवरेज 50% से कम और दूसरे डोज का भी कवरेज काफी कम है। टीकाकरण में आई कुछ कमी का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, अगर 1 अरब टीकों का आंकड़ा छूने के बाद हम थोड़े ढीले पड़ गए तो और बड़ा संकट आ सकता है। हमें थोड़ा भी ढीलापन नहीं आने देना है। जहां भी कमी है उन्हें जल्दी दूर करना है। हमें हर गांव, हर कस्बे पर फोकस करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अगर हर गांव के लिए अलग रणनीति बनानी है तो बनाइए। आप 25 लोगों की टीम बनाकर ऐसा कर सकते हैं। एनसीसी एनएसएस की भी आप मदद ले सकते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना होगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 7 पन्ने के त्यागपत्र में गांधी परिवार की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें राज्य की सरकार से हटाने के लिए साजिश रची गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत पर भी निशाना साधा। इस खत पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को दगा हुआ कारतूस बताया है। मीडिया में सिद्धू के हवाले से लिखा है, कैप्टन एक दगा हुआ कारतूस है, वह एक धोखेबाज है। अब वह दावा कर रहे हैं कि मंत्री अवैध खनन में शामिल थे, फिर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, वह एक कायर है। बता दे, कैप्टन ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के साथ विवाद के चलते सितंबर में पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है, इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर 8555001972। दीपावली से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा तोहफा दिया है और बताया है कि उनकी सरकार एक ऐसा पोर्टल तैयार कर रही है जिसमें दिल्ली की हर छोटी बड़ी दुकानों को स्थान मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के जरिए पूरी दुनिया में लोग कहीं से भी दिल्ली के लोगों का सामान खरीद सकते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिवाली के मौके पर मैं दिल्ली के व्यापारियों, कारोबारियों, उद्योगपतियों के लिए अच्छी खबर लेकर आया हूँ। आपके काम को बढ़ाने के लिए दिल्ली बाजार के नाम से एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है जिसमें दिल्ली की हर छोटी बड़ी दुकानों को स्थान मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेंगू के प्रकोप से निपटने में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों सहित
तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मंगलवार को 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेषज्ञों के केंद्रीय दलों को भेजा। हरियाणा, पंजाब, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में डेंगू के काफी संख्या में मामले आने के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। पत्र में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा डेंगू के प्रकोप से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों सहित तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करके राज्य सरकारों की सहायता के लिए केंद्रीय दलों की तैनाती करने का निर्णय लिया गया है। प्रबंधन के लिए दिल्ली में डेंगू की स्थिति की समीक्षा की थी। अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोरोना से बचाव के लिए 5 से 11 वर्ष के बच्चों को फाइजर के टीके की खुराक देने की अनुमति दे दी है। हालांकि वहां के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इसकी अनुमति पहले ही दे दी थी। यह खुराक वयस्कों और किशोरों को दी जाने वाली खुराक का एक तिहाई है, लेकिन FDA द्वारा स्वीकृत टीके किसे दिए जाए इसकी औपचारिक अनुशंसा रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र करता है। एक सलाहकार पैनल की सर्वसम्मति से बच्चों को टीका दिए जाने का फैसला लिया गया। लगभग 2.8 करोड़ बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वेल्सकी ने मंगलवार रात को एक बयान में कहा कि एक माँ होने के नाते मैं सभी अभिभावकों को कहना चाहती हूँ कि वे बाल विशेषज्ञों, स्कूल की नर्स या स्थानीय चिकित्सकों से टीके के बारे में और जानकारी ले तथा बच्चों के टीकाकरण के महत्व को समझे। शाहरुख खान और गौरी खान के लिए अक्टूबर 2021 वो महीना होगा जिसको शायद ही कभी वह जीवन में भूल पाएंगे। लाडले बेटे आर्यन खान के लिए परेशान शाहरुख खान और गौरी ने करीब 37 दिन बाद राहत की सांस तब ली जब बेटे को वापस अपनी आंखों के सामने मन्नत में देखा। जमानत मिलने के बाद आर्यन खान अब आर्थर रोड जेल से अपने घर वापस लौट आए हैं, लेकिन अब बेटे के लिए मम्मी पापा ने कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो आर्यन खान को मानने ही होंगे। गौरी खान और शाहरुख खान का ये फैसला बेटे के जीवन में सुधार के लिए है ताकि आर्यन की लाइफ फिर से रूटीन में आ जाए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर के मुगल गार्डन में मजलिसे उलमा वो खुफास की ओर सम्मान कार्यक्रम किया गया आयोजित। बीदर शहर के प्रसिद्ध व्यक्तियों के अलग अलग विभाग में कामयाबी हासिल करने पर उन्हें किया गया सम्मानित। 1 अरब का आंकड़ा पार करने के बाद भी कोरोना टीकाकरण में ढील नहीं पड़ना चाहिए, समीक्षा बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कैप्टन दगा हुआ कारतूस है, फ्रॉड है, सोनिया गांधी को लिखे अमरिंदर सिंह के खत पर बोले नवजोत सिंह सिद्धू। देश के 9 राज्यों में बढ़ा डेंगू का प्रकोप, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भेजी खास टीमें। अमेरिका में अब 12 साल से छोटे बच्चों को भी लगेगी कोरोना की वैक्सीन, फाइजर के टीके को मिली मंजूरी। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।